जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आज हमारा चूज़ा जो है ये 25 दिन का हो गया, बहुत अच्छी ग्रोथ जा रही है, चूज़े भी नहीं मर रहे। तो कल बहुत ज़ोर से बारिश आई थी, काफ़ी पानी जमा हो गया था बाहर, कुछ पानी फार्म में भी आया था, तो लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। चूज़े को एहतियातन जो है वो बुखार वाली दवाई देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्दी कर रहे हैं, देखें जमा हुआ है, ठंड भी वाकई है पड़ी, तो बुखार वाली दवाई एहतियातन देने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो ठंड वगैरह है वो निकल जाएगी, टेम्परेचर इसका ठीक हो जाएगा अगर बुखार वगैरह इसको होगा भी सही। तो पोल्ट्री में एहतियातन जो है ना मेडिसिन चलाना, ये बहुत अच्छी हिकमत अमली होती है, बजाय इसके कि बीमारी आए और आप मेडिसिन यूज़ करें। नज़ला भी अभी तक मौजूद है, गया नहीं है, मेडिसिन चल रही है, लेकिन ये है कि कोई चूज़े वगैरह नज़ले की वजह से मर नहीं रहे। चूज़े ना मरें तो आवाज़ जो है ये काफ़ी दिनों के बाद ख़त्म होती है चूज़े में से, फौरन नहीं होती। कल इसको 8 बोरियां डाली थी फीड की, तो आज 9 बोरियां डालेंगे। ये अब तक टोटल जो है 100 बोरी पूरी खा चुका है, तो दिन इसके 25 हो गए हैं। फीड के हिसाब से बहुत अच्छा वज़न जा रहा है, हमारे अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन इसका 900 ग्राम एवरेज वज़न होगा, तो बहुत अच्छा वज़न है। हालांकि गर्मियों के दिन गुजार के आया हुआ चूज़ा, लेकिन फिर भी ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी। इस दफ़ा कोई इतनी ख़ास ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं लगी, पिछले फ्लॉक में बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो इस फ्लॉक में जो है ना अभी बचत है, देखें आगे क्या होता है। दिन तो बस इसके तकरीबन अब 10 रह गए हैं, तकरीबन 34-35 दिन पर हम इसको सेल कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।